इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया, देश के तमाम स्टेशनों के नाम बदले और आखिर में कुछ भक्त तो विनाश को ही विकास समझ बैठे। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। काश भूख का नाम बदलकर भूख मिट गई होती, बेरोजगारी का नाम बदलकर युवाओं को रोजगार मिल गया होता तो देश और दुनिया की इस वक्त की जो तमाम समस्याएं चल रही हैं वो पल भर में समाप्त हो जाती। ऐसे अचानक इन मुद्दों पर मेरा बात करना आपके मन में जरूर सवाल खड़े कर रहा होगा, क्योंकि जो मुद्दे मैंने बताए हैं इस वक्त न तो ये मुद्दे मीडिया में चल रहे हैं, न ही कहीं पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे अचानक इन मुद्दों पर बात करना आपके मन में कई सवाल खड़े कर रहा होगा, क्योंकि जो मुद्दे मैंने बताए हैं इस वक्त इन मुद्दों पर मीडिया में तो कुछ चल ही नहीं रहा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और आपकी सरकार भी यही चाहती है कि आप सिर्फ वो सोचें जो सरकार चाहे, आप वह खबर देखना पसंद करें जो सरकार चाहे, आप उन मुद्दों पर ही विमर्श करें जो सरकार चाहे। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ किसी की भक्ति में लीन होने से ही आपका भला नहीं होने वाला है। साथियों, आपको बता दूं, इसी भक्ति में लीन होकर ताजमहल में तेजो महल का सपना देखने वाले कुछ टटपूंजियों को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से ऐसी पटकनी मिली है जिसके बाद भक्तों में खलबली मच हुई है और वे सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर अब क्या करना चाहिए। तो साथियों, आपको बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार 12 मई को ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जी हां साथियों, आज इनकी याचिका खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के न्यायाधीश डीके उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे विवाद चार दीवारी में चर्चा करने के लिए हैं, न कि कोर्ट में। कल को आप आकर कहेंगे कि जज के चैम्बर में जाना है, क्या अब कोर्ट ये तय करेगी कि कोई ऐतिहासिक स्मारक किसने बनाया है? साथियों, आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने ताजमहल का असली इतिहास खोजने के लिए फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन करने की मांग की थी। इस याचिका का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी आपत्ति जताई है और बताया कि इस मसले पर आगरा कोर्ट में पहले से ही एक मामला लंबित है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि ताजमहल के ऊपरी और निचले हिस्से में बंद करीब 22 कमरे खुलवाए जाएं। याचिका में यह मांग भी की गई थी कि पुरातत्व विभाग को उन बंद कमरों में मूर्तियों और शिलालेखों की खोज करने का भी आदेश दिया जाए। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर देश में लगातार विवाद क्यों बढ़ रहे हैं, लगातार इतनी नफरत की खबरें सामने क्यों आ रही हैं? तो साथियों, आपको बता दूं, इसका सीधा सा सवाल है कि देश की भोली भाली गरीब जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर और ऐसे ही तमाम हथकंडों के नाम पर, तमाम भटकाने वाली खबरों के नाम पर देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, ताकि देश की जनता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग सरकार से न कर सके। आपको क्या लगता है? आप भी अपना सुझाव, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।